एक्यूरेट, इसके नीचे या इसके ऊपर, इससे ज्यादा कम नहीं है, एवरेज है हमारा। तो चक्कर ये है कि जैसे कि ठंड आती है तो 350 ग्राम पानी, पानी कम करना ठीक है, और जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो हाँ। पानी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। अभी ये इससे क्रॉस हो जाएगा, मतलब 5 किलो, 5 लीटर के आसपास पानी आने लग जाएगा, और ठंड आती है तो 3.5 लीटर के आसपास, 5 किलो माल में, ठीक है, 5 kg ऐसा रहता है। मतलब माल बेहतर रहना चाहिए, भुरभुरा, ऐसा नहीं कि गंदे बन जाए। या अभी गीला है, थोड़ा सा गीला ले गया, ये थोड़ा सा गीला ले गया, ये बिल्कुल सूखा रहता है, ये थोड़ा भी मैंने इसमें सूखा भी मिलाया है, ये मामला है। देखो अभी भी ये सूखा है कि नहीं, गीला होना चाहिए, देख दूंगा तो निकल जाएगा। खाली नमी चाहिए, नमी हल्का सा सर, इसमें माल डला हुआ है ना, अभी थोड़ा सा चला के दिखाओ। जब अपन की इच्छा हो, मतलब प्रेशर मेंटेन करके रखो, बहुत ज्यादा भी रहता है गाड़ी तोड़ता है, तो बहुत कम भी रहता है कि ये फट जाती है, ठीक है। अभी अपनी ताकत के हिसाब से बना, ये मैंने स्पीड कम कर रखी है, स्पीड कम क्या अपना गाड़ी डबल है या सिंगल है या कुछ फंसा, जैसे कि ये वाला, वो गाड़ी फंस गई तो बस तो रुक जाएगी, बाकी तो लगाओ तो बंद हो जाएगी। ये देखो साहब, ये एक रेड बन गया, ये परफेक्ट मटेरियल है, बस ये वाला माल इधर से उठाओ, ये ऐसे अगरबत्ती मेकिंग होती है। ये बंद नहीं हुआ, ये सेंसर से बंद हो गया, गाड़ी ज्यादा कब फंसेगी, तो अपना जैसा कि ये टूटी गाड़ी है, लंबी गाड़ी यहाँ तक, ये देखो अब ये झेल नहीं पाएगी, क्यों नहीं झेलेगी, क्योंकि अपन को फ्रेश गाड़ी चाहिए। हाँ ये वाला माल इसमें डाल दो, और यहाँ पे माल भरो, और इसमें डाल दो, वो पानी मिक्स मिला हुआ है इसमें ना, पूरा मिक्स करा हुआ है। बाद में इधर से गाड़ी उठाओ और इसको थोड़ा फ्रेश कर दो, तो कुछ कपड़े फटे निकल जाएंगे, मिला के ये मशीन चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, तो आपका प्रोटेक्शन निकला ऐसा भी रुक, ये इसमें रख दो बस, तो कुछ पता है ये फंसा था, देखो ये इससे करंट नहीं गई है, अरे कुछ भी, जैसा कि ये लूज गाड़ी है, ये डबल आ गई ना, ये डबल, ये हाँ इसलिए नहीं जा पाएगी वो, इसलिए इसको वापस से क्लीन करो, इसको लाओ और ये लाइफ चलता है। वापस डाल इसमें क्या है, इसमें रॉकेट डाइव वगैरह सब क्लीन रहने चाहिए, तो ऐसे चलेगी मशीन, दिक्कत आती है, समझ लोगे मशीन को, ज्ञान वर्धक कहानियाँ हैं, सब ज्ञान रहता है।